जननी पार्वती की, महादानी पार्वती की, धर्मनिष्ठा पार्वती की। स्वामी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आप जाकर सनत कुमार को समझाइए। देवी लक्ष्मी, तुम चिंता ना करो, पुरोहित सनत कुमार अपने स्थान पर सही हैं। तुम तो बस ये लीला देखती रहो, देवी पार्वती के तप और व्रत अनुष्ठान का परिणाम शुभ ही होगा। नाथ, मुझसे भगवान शिव और देवी पार्वती का बिछड़ना सहन नहीं हो रहा। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। आप सनत कुमार से कहे कि वो अपना हाथ छोड़ दे और शिव जी को मुक्त कर दे। शुभ है, ये संसार देवी प्रकृति महामाया के बनाए नियमों से चलता है। मैं ब्रह्मा भी केवल अपने सृष्टि निर्माण के कार्य तक ही सीमित हूँ। देवी पार्वती और पुरोहित सनत कुमार के बीच का ये घटनाक्रम शीघ्र ही सुखद परिणाम में बदल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तब तक के लिए आप शांत रहें। देवी पार्वती, बातचीत बहुत हो चुकी है, समय व्यतीत हो रहा है। अब मैं शिव जी को साथ लेकर यहां से शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहता हूं। हे प्रभु भोलेनाथ, यज्ञ में शेष फल, नारियल और अन्य सामग्री एक टोकरे में इकट्ठा कर लीजिए और मेरे साथ प्रस्थान की तैयारी कीजिए। ब्राह्मण देव, शास्त्रों में मेरे पति शिव शंकर तथा सर्व देव में गाय को समान बताया गया है। भगवान नारायण ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है। आपका कथन सत्य है और वेद सम्मत भी। हे आचार्य वर, मैं आपको सुंदर, स्वस्थ तथा दूध देने वाली 10,000 गायें प्रदान कर दूंगी। उसके बदले आप मेरे प्राणेश्वर शिव शंकर मुझे लौटा दे। देवी पार्वती, मैं एक अपरिग्रही ब्राह्मण हूं, तुम्हारी 10,000 गाय लेकर मैं क्या करूंगा? इससे तो मेरे स्वाध्याय और आत्मचिंतन में बाधा पड़ेगी ना। हे आचार्यवर, इन 10,000 गायों के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा। इनके साथ मैं बहुत से सेवक तथा गौपालक भी दूंगी, इससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इतने बड़े गौधन के होने से आपको पुरोहित व्रति से छुटकारा भी मिल जाएगा। अतः मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें और मेरे प्राणेश्वर शिव शंकर मुझे लौटा दे। देवी पार्वती, वेदा अध्ययन, आत्मचिंतन और लोकहित में लीन ब्राह्मण के लिए अपार संपदा किस काम की? तो फिर तुम्हारी इच्छा से मैं अपने कर्मों का निर्धारण क्यों करूं? मैं अपने स्वभाव और संस्कारों के आधार पर अपने कर्मों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हूं। यह स्वाधीनता ही ब्राह्मण जीवन की निधि होती है। देवी पार्वती, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान नारायण ने जो परामर्श दिया वो आपने नहीं सुना। सुना था देवी पार्वती, ये उनका अपना विचार था और वो भी आपके लिए। महामाया, महाप्रकृति द्वारा मनुष्य को विचार और कर्म की जो स्वतंत्रता मिली है, उसे बाधित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो नारायण हो या परब्रह्म। देवी पार्वती, ऐसी बहुमूल्य दक्षिणा पाकर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस दक्षिणा के सामने तो त्रिलोक का साम्राज्य भी फीका है। देवी पार्वती,
दुर्लभ रथ के बदले कोई बुद्धिमान मनुष्य कांच के टुकड़ों का पहाड़ लेकर क्या करेगा? शुभे, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने भगवान नारायण के कहे में आकर बड़ी भूल कर दी, जिस कारण मैंने अपने प्राण धन शिव शंकर को ही खो दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कैसी अद्भुत दक्षिणा मिली है, मैं इन्हें साथ लेकर त्रिलोक भ्रमण करूंगा। इन्हें देखकर बालक बालिकाएं हंसेंगे, मोद बनाएंगे, नाचेंगे, तालियां बजाएंगे, आनंदित होंगे। ये कैसा दुर्भाग्य है, कैसा व्रत अनुष्ठान, कैसी पुत्र प्राप्ति की लालसा, इन सब में फंसकर मैंने अपने पति शिव शंकर को ही खो दिया। अब इस निरर्थक जीवन से क्या लाभ? मुझे शीघ्र ही मृत्यु का वरण करके इस अधम शरीर का त्याग कर देना चाहिए। देवी पार्वती ठहरो। अधम शरीर को छोड़ने से रोकने वाले आप कौन हैं देव? पार्वती, मैं परात्पर हूं, प्रकाश रूप में प्रकट होकर तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हे परात्पर प्रभु, मैंने महान और तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए एक वर्ष तक कठोर पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया था, किंतु मेरा दुर्भाग्य तो देखिए, मनवांछित फल मिलना तो दूर, उसके विपरीत मुझे अपने स्वामी शिव शंकर को ही खोना पड़ा। पता नहीं किस दुष्कर्म का दारुण दंड मिला है मुझे। देवी पार्वती, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवी, तुम स्वयं मुझ परात्पर को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकोगी। मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लेकर शिवधाम में नाना प्रकार की क्रीड़ा लीलाएं करूंगा। आचार्य सनत कुमार, आपके सानिध्य में देवी पार्वती का व्रत भली प्रकार संपन्न हो गया है। परात्पर प्रभु ने देवी पार्वती को आशीर्वाद भी दे दिया है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, शिव परिवार द्वारा आपको भी पर्याप्त सम्मान दिया गया है। आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। मैं पार्वती के तप और व्रत अनुष्ठान से और शिव परिवार के व्यवहार से संतुष्ट हूँ। आचार्य सनत कुमार, अब आप पार्वती के दारुण दुख का भी निवारण कर दें। ब्राह्मण श्रेष्ठ,
अब समय आ गया है कि शिवजी को लौटाकर आप पार्वती का कल्याण करें। हाँ हाँ विप्रश्रेष्ठ, लोक भावना का सम्मान करते हुए आप शंकर जी को मुक्त कर दें। इससे ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ेगा और आपकी कीर्ति भी फैलेगी। आप सभी का कथन उपयुक्त है और धर्म सम्मत, लेकिन आप जानते हैं सभी धर्म कर्मों की अपनी मर्यादा होती है, और मर्यादा का उल्लंघन करना कष्टों को निमंत्रण देना पुरोहित का यह कर्तव्य है कि यजमान के हितों का ध्यान रखते हुए उसे मर्यादा का उल्लंघन न करने दे। मैंने दक्षिणा के प्रसंग पर पार्वती को बार बार सावधान किया था, लेकिन पार्वती ने मेरे कथन पर ध्यान ही नहीं दिया। हे आचार्यवर, मैं चाहती हूँ आप मुझसे मनचाही दक्षिणा मांगकर मुझे धन्य करें। मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। सोच समझ कर बोलो देवी पार्वती। त्रिलोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको दान में नहीं दे सकती? आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम कोई याचक ब्राह्मण नहीं है। मांग कर दक्षिणा लेना ब्राह्मणत्व और पौरोहित कार्य का घोर अपमान है, अपने कर्तव्य धर्म का अवमूल्यन है। हे विप्रवर, यहाँ अपमान और अवमूल्यन की बात नहीं है। अपनी ओर से मनचाही दक्षिणा मांगने में संकोच ना करें। मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपको निश्चय ही संतुष्ट करूंगी। पुरोहित सनत कुमार, अवश्य ही देवी पार्वती से भूल हुई है, किंतु अब समय की मांग को देखते हुए आप अपनी उदारता का परिचय दें। आप उदारता की बात कह रहे हैं? अरे जो महादेव बड़े बड़े योगी यति तपस्वियों को ध्यान में भी दुर्लभ हैं, वो मुझे सहज ही मेरी मुंह मांगी दक्षिणा में मिल गए। इसमें मेरा क्या दोष है? क्या स्वयं और सहज ही प्राप्त दक्षिणा को लेना, उसे अपने पास रखना अधर्म है? आप सब कुछ भी कहें, भगवान शंकर को पाकर मेरी जन्म जन्म की साधना पूरी हो गई। मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं। वत्स सनत कुमार। पितामह, तुम्हारा कथन सत्य है, तुम्हारा कहीं कोई दोष भी नहीं है। पुरोहित के रूप में तुम्हारे द्वारा कराए गए धर्म कर्म के कार्य से देवताओं को भी उनका यज्ञ भाग मिला है। देवी पार्वती के व्रत अनुष्ठान का समापन भी भली प्रकार से हो गया है। स्वयं परात्पर प्रभु ने प्रकट होकर उन्हें मनोवांछित वरदान भी दे दिया है। वत्स, अब एक ही शुभ कार्य शेष रहा है, उसे पूर्ण करके हमें संतुष्ट कर दो। आज्ञा दे पितामह। मेरे लिए ऐसा कौन सा कार्य शेष रह गया है? वत्स, अब तुम शंकर जी को मुक्त करके उन्हें पार्वती जी को लौटा दो। यही शुभ कार्य तुम्हारे लिए शेष रहा है, जो हमारे लिए भी शेषकर होगा। पितामह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मेरी अपनी कोई इच्छा अभिलाषा न थी न अभी शेष है। मैंने जो कुछ भी किया लोक शिक्षण के लिए किया, ताकि कोई भी यजमान भावुकता या उत्साह के अतिरेक में आकर धर्म मर्यादाओं का उल्लंघन न करे। हे सृष्टिकर्ता, मैंने जिस प्रकार भगवान शंकर को पाया था, उसी प्रकार उन्हें पार्वती जी को लौटा देता हूं। देवी पार्वती, लो संभालो अपने पति देव शंकर जी को। भविष्य में सभी धर्म कर्मों में उचित मर्यादा का पालन करना आपका मंगल। ब्राह्मण श्रेष्ठ सनत कुमार की जय। 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 ब्राह्मण श्रेष्ठ सनत कुमार की जय।